और इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि यूपी में मथुरा को लेकर सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, हमारा मुद्दा विकास है, अयोध्या मथुरा नहीं है, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। अयोध्या मथुरा ना चुनावी मुद्दा है और ना कभी रहेगा, क्या प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा कहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य, आपसे जब भी हम लोग बात करते हैं आप विकास के मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या काशी मथुरा क्या ये मुद्दे नहीं है आपके लिए? देखिए, धार्मिक चिंतन करने के लिए धर्माचार्य काफी है, हर धर्मों के अलग अलग धर्माधीश हैं, धर्माचार्य हैं, धर्म पर चिंतन करना का मुख्य काम उनका है। अयोध्या काशी और मथुरा ये आपके लिए चुनाव का मुद्दा नहीं रहेगा? ना कभी मुद्दा था, ना आज है, और मेरी नज़र में आगे भी नहीं रहेगा। विकास का मुद्दा था, विकास का मुद्दा है, आगे भी विकास का मुद्दा रहेगा। इलेक्शन के टाइम में इस मुद्दे को उठाना और इनको आगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कहा? वो तो हमेशा विकास के मुद्दे की बात करते हैं। मंत्री ने जब ऐसा नहीं कहा कभी, तो फिर केशव मौर्य जी क्यों कह रहे हैं? आप इसका जवाब केशव जी से लीजिए। शिवपाल सिंह यादव, उनका कुछ मामला तय नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ संभावना ऐसी बन रही है कि आपके पाले में आ सकते हैं? अब शिवपाल जी के मन की बात मैं कैसे बता सकता हूँ भाई, अभी तो सहयोगी दल में है ही है, तो इसलिए अगर आएंगे भी तो स्वाभाविक रूप से स्वागत तो सबका है, तो वो तो अपने आप में एक बड़े नेता हैं पहले से। शिवपाल जी सहयोगी दल में? अरे भाई, साथ ही साथ जब हमेशा मुद्दों के साथ वो सरकार का साथ देते हैं, मुद्दों पर विरोध करते हैं, मुद्दों का साथ देते हैं, तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कभी तो कुछ बोले नहीं, तो स्वाभाविक रूप से हम तो उनको अपना मित्र मानते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कहा कि सियासी हंगामा खड़ा हो गया। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं वो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है, और इसमें लिखा है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, #जयश्रीराम, #जयशिवशंभु, #जयश्रीराधेकृष्ण। तो देखा आपने, साफ संदेश है। अब देखिए इस ट्वीट की खासियत, ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल पर पिन किया हुआ है। आमतौर पर ये तब होता है जब किसी ट्विटर हैंडल से किसी बात को प्राथमिकता पर दिखाया जाना हो या फिर उस ट्वीट को महत्वपूर्ण बताना होता है। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले बीजेपी मथुरा के मुद्दे को बढ़ाने वाली है। अब आपको मथुरा का विवाद भी बता देते हैं। दावा किया जाता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद जिस जमीन के ऊपर बनाई गई है, उसके नीचे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि है। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण कराया था। बीजेपी और बीएसपी ने अयोध्या मथुरा काशी को लेकर देश भर में आंदोलन चलाया था, जिसमें अयोध्या का मुद्दा सबसे ऊपर रहा था। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी मथुरा विवाद का ज्यादा जिक्र नहीं करती है। ऐसे में यूपी चुनाव के पहले डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट यकीनन चुनावी फोकस को शिफ्ट करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।